और अब बात उन महिलाओं की जो अलग अलग क्षेत्रों में नई इबारत लिख रही हैं, किसी कला के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाया है तो कोई अंतरिक्ष की ऊंचाइयों पर पहुंची है, तो एक ऐसी महिला की कहानी जिसने हालात के आगे हार नहीं मानी और संघर्ष का रास्ता अपनाया। इन महिलाओं की कहानी दूसरों के लिए मिसाल है और महिला शक्ति का प्रमाण है। पुलवामा की आसमा भी, चेन्नई की डॉक्टर श्रीमती किसन, मेरठ की प्रियंका शर्मा, तस्वीरों में दिखने वाली ये तीनों महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनी है। अपनी लगन और मेहनत के बूते इन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। सबसे पहले बात पुलवामा के पंपोर की रहने वाली आसमा की, जिन्होंने अपनी कला के जरिए खास पहचान बनाई है। आसमा के डिजिटल आर्ट और चित्रकारी के चर्चे देश से निकलकर दुनिया तक पहुंच गए हैं। आसमा डिजिटल आर्ट के जरिए आप घर बैठे न केवल पैसे कमा रही हैं, बल्कि दुनिया में अपनी नई पहचान भी बना रही हैं। पहले पहले जो मैं थी, मैं ज्यादा पेंसिल स्केचिंग करती थी, एंड देन आई वेंट टू वाटर कलरिंग, फिर मैं वाटर कलर से सीखा, एंड इवेंचुअली बिफोर फ्यू ईयर्स आई गॉट टू नो अबाउट डिजिटल आर्ट, सो आई स्टार्टेड विद माई फोन। अब बात करते हैं चेन्नई के श्रीमती किसन की। इन्होंने एक खास तमगा हासिल किया है, वो ये कि जीरो ग्रेविटी यानी शून्य गुरुत्वाकर्षण अनुभव करने वाली वो पहली भारतीय महिला बन गई हैं। 9 दिसंबर को अमेरिका के एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस मुहिम में 12 पुरुष यात्रियों के साथ ये अकेली महिला थी। किसन भारतीय एयरोस्पेस कंपनी स्पेस किड्स इंडिया की फाउंडर और सीईओ हैं। They gave training for only couple of hours and that was all very simple training and I think anybody can do that. But being the first Indian woman to do something like this was an amazing experience and out of the world feel, I should say. और अब ये तस्वीर भी देखिए, ये है मेरठ की प्रियंका शर्मा, जो यूपी रोडवेज की पहली महिला ड्राइवर बन गई है। पति की मौत के बाद जिंदगी के संघर्ष का सामना करने के लिए प्रियंका ने पहले ट्रक चलाया और अब ये सफर रोडवेज की बस तक आ पहुंचा है। प्रियंका अब अपनी नई पहचान के साथ सड़कों पर न केवल फर्राटा भर रही हैं, बल्कि लोगों को सुरक्षित सफर भी करा रही हैं। 2020 में योगी जी ने और मोदी जी ने महिला चालक की वैकेंसी निकाला था, तो हमें पता लगी, फिर हम सर फॉर्म भर दिए। फॉर्म भरे तो कानपुर के प्रधानाचार्य जी ने हमें 2022 में भर्ती लिया, फिर वहाँ से हम सब ट्रेनिंग करके मई में 15 मई को पास हो गए, तो सितंबर में हमें 1 सितंबर को ज्वाइनिंग कौशाम्बी मिली। इन तीनों महिलाओं का संघर्ष समाज से ज्यादा खुद से था, क्योंकि हुनर तो था, बस उनको पहचान मिलनी बाकी थी, जो अब मिल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।